नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूलकुमारी दीदी, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आज तो सभी बच्चे बड़े खुश खुश दिख रहे हो। हाँ दीदी, शाम को मंदिर में जन्माष्टमी की झांकी देखेंगे, पंजरी का प्रसाद खाएंगे, बड़ा मजा आता है आज के दिन। और हम सब ने पहले ही सोच लिया था कि आज तो हम आपसे कन्हैया के जन्म की कहानी सुनेंगे। सुनाएंगी ना दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सुनाऊंगी। भगवान कृष्ण का जन्म हिंदी पांचांग के हिसाब से भाद्रपद माह की अष्टमी यानी आठवीं तारीख को हुआ था, जो अंग्रेजी कैलेंडर से आमतौर पर अगस्त माह में पड़ता है। हमें तो इतना पता है कि रक्षाबंधन से आठवें दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है। बिल्कुल सही पता है, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा यानी श्रावण मास के आखिरी दिन आता है। उसके अगले दिन नया महीना भाद्रपद यानी भादो मास शुरू हो जाता है, जिसकी आठवीं तारीख अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए यह अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी कहलाती है। अच्छा, अब समझ गया, अब कहानी सुनाइए ना। हाँ सुनो, भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार यानी जेल में माता देवकी के गर्भ से हुआ था। उस दिन बड़ी घनघोर अंधेरी रात थी। दीदी, माता देवकी ने कृष्ण को कारागार में क्यों जन्म दिया? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया? नहीं नहीं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव के जेल में होने की भी एक कहानी है। सुनाइए ना दीदी। हाँ, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आतंकी पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उस दुष्ट कंस की बहन थी देवकी, जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए विवाह उपरांत उन्हें स्वयं वासुदेव के संग ससुराल पहुंचाने जा रहा था, परंतु तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और वासुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। तब देवकी ने रोते हुए कंस से निवेदन किया, भैया, मेरे गर्भ से जो संतान होगी, मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। मेरे पति को छोड़ दो, उनसे तो तुम्हें कोई हानि नहीं है ना? उन्हें मारने से क्या लाभ? कंस ने अपनी बहन की बात तो मान ली, परंतु उसे मृत्यु का इतना भय था कि उसने वसुदेव और देवकी दोनों को मथुरा के कारागृह में डाल दिया, ताकि जैसे ही देवकी का बच्चा हो, कंस उसे मार सके। समय बीतता गया, वसुदेव देवकी के एक एक करके 6 बच्चे हुए और जन्म लेते ही कंस ने क्रूरता से पत्थर की चट्टान पे पटक पटक कर नवजात शिशुओं को मार डाला। कितना दुष्ट था कंस, अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार! अपनी जान बचाने के लिए बहन के बच्चों को मार देगा? हाँ, कंस बड़ा क्रूर था। जब देवकी के गर्भ में 7वां बच्चा आया, तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के सिंहासन शेषनाग का अवतार था। कंस इस बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब बच्चा पैदा होगा तो वह उसे भी मार डालेगा। परंतु देवी योग माया के चमत्कार से देवकी के गर्भ में पल रहा बच्चा वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। इस प्रकार वसुदेव की पहली पत्नी की पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण हो गई और कंस को 7वें बच्चे को मारने का मौका भी न मिल सका। कंस को बस इतना ही समाचार मिला कि देवकी का 7वां बच्चा गर्भ में ही मर गया। अब कंस बड़ी उग्रता से
देवकी के 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा। आकाशवाणी के हिसाब से देवकी का 8वां पुत्र ही भगवान विष्णु का अवतार होगा और कंस का संहार करेगा। कंस ने कारागार पर पहरा बढ़ा दिया। जब देवकी अपनी 8वीं संतान से गर्भवती थी तो कंस ने देवकी और वासुदेव को लोहे के भारी बेड़ियों से बांध दिया और कई सैनिक रात दिन कारागार का पहरा देते। अपनी सुरक्षा के लिए कंस ने हर संभव प्रयत्न किए कि 8वां बच्चा पैदा होते ही कंस को सबसे पहले पता चले और किसी भी सूरत में वह कंस के हाथों से बच ना पाए। ओहो, क्रूर कंस ने गर्भवती माता देवकी को लोहे की भारी बेड़ियों से बांध दिया। हाँ, परंतु उसी समय मथुरा के पास गोकुल में वासुदेव के चचेरे भाई नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी अब तक देवकी के 7वें पुत्र बलराम को जन्म दे चुकी थी। वो भी नंद के घर ही रहती थी। कृष्ण के जन्म के दिन घनघोर अंधियारी रात थी, जोरों से वर्षा भी हो रही थी। इसी बीच मध्य रात्रि को देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण के जन्म होते ही कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और वसुदेव के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवकी, वसुदेव दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने भाई नंद जी के घर पहुँचा दो और उनके यहाँ नंद जी की पत्नी यशोदा को जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ और उसे कंस के हवाले कर दो। यह कहकर भगवान विष्णु ने फिर से नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। इससे पहले कि वसुदेव कुछ सोच भी पाते, जागते हुए पहरेदार सो गए। वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागृह के अनेकों फाटक भी अपने आप खुल गए। भगवान के आदेश से वसुदेव तुरंत ही नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। रास्ते में जोरों की बारिश के कारण यमुना नदी में उफान आ रहा था। वसुदेव यमुना पार करने के लिए नदी में उतरे तो यमुना नदी का जल बढ़ता ही जा रहा था। नवजात कृष्ण को नदी के बहाव से बचाने के लिए वसुदेव ने सूप को अपने सिर पर उठा लिया और धीरे धीरे नदी पार करने लगे। इतने में यमुना जी की जोर की लहर आई और कृष्ण के चरण स्पर्श करके बिल्कुल शिथिल हो गई। यमुना नदी तो सिर्फ कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। उन्होंने तुरंत ही वसुदेव को जाने का मार्ग दे दिया। नदी पार कर वसुदेव नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु कृष्ण को यशोदा के साथ सुला दिया और उसी समय जन्मी नवजात कन्या जो कि सिर्फ माया थी उसे लेकर मथुरा आ गए। वसुदेव के कारागृह में पहुंचते ही कारागृह के फाटक तुरंत पूर्ववत बंद हो गए। सैनिक जाग गए और वसुदेव के हाथ पैरों में फिर पुनः बेड़ियां लग गईं। जैसे ही कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। वसुदेव ने विनती की कि उसे मारने के लिए तो देवकी के 8वें पुत्र की आकाशवाणी हुई थी, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दे। पर भय से ग्रसित कंस ने एक न सुनी और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और उसने देवी योग माया का रूप ले लिया और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, जल्द ही तेरे पापों का तुझे दंड देगा। बस इतनी ही थी श्री कृष्ण के जन्म की कथा। दीदी, ईश्वर के चमत्कार और देवी योग माया की मदद से नवजात कृष्ण बच गए और अपने बड़े भाई बलराम के पास गोकुल पहुंच गए। हाँ, कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा गोकुल में मैया यशोदा और माँ रोहिणी देवी के पालन पोषण में ही बड़े हुए। दीदी, वैसे तो हमने कृष्ण जन्म की कहानी पहले भी कई बार सुनी थी, पर आज हमें कई नई जानकारियाँ और मिली। इस दिन के बारे में मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ।
विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुई थी। इसीलिए सभी संस्कार शालाओं में इस दिन विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अरे वाह, मतलब हम कृष्ण जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस साथ साथ मनाएंगे, दुगना उत्सव होगा। हाँ, आप लोग मिलकर उत्सव मनाइए। चलती हूँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।